राजधानी जयपुर में पिछले कुछ समय से उन अपराधियों का आतंक जोरों पर है जो किसी के घर में नहीं बल्कि चलते रास्ते वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इन अपराधियों के निशाने पर खास तौर पर महिलाएं और लड़कियां होती हैं, जो शिकार होने के बाद सिवाय पछताने के कुछ नहीं कर पाती। आपको बता दें कि राजधानी जयपुर में पिछले करीब 3 महीने में 7 लाख का सोना लूटा जा चुका है, यानी महिलाओं के गले से चैन लूटने की वारदातें इतनी बढ़ चुकी है कि पिछले 3 महीनों में करीब 40 वारदातें ऐसी हो चुकी हैं, जिसके बाद महिलाओं में इन लुटेरों का खौफ बढ़ गया है। लगातार होती लूट की वारदातों के बाद अब शहर की महिलाएं चैन पहनने से भी गुरेज करने लगी है। तो बहुत ज़्यादा मानते हैं क्योंकि जब भी बाहर निकलते हैं इनका बहुत डर लगता है और खुद जैसे ऐसे कुछ भी आइटम पहन के नहीं जाते हैं क्योंकि बहुत डर लगता है कि कब किस टाइम पीछे से कोई झपट्टा मार ले, कब चेन तोड़ के ले जाए। लेडीज 2 दिन खड़ी रहती है ना बस स्टॉप पे, तो डर नहीं रहता है। अरे अकेले रहते ना ऐसे बहुत डर से लगा रहता है, राम कोई आ नहीं जाए, कोई आ नहीं जाए, घबराहट तो बहुत होती है ऐसे। फिर जब अपनी बस आ जाती है ना बस स्टॉप जाकर थोड़ी तसली आती है, और बैठने भी कई बार ऐसा लगता है कोई, कुछ लोग ऐसे बस में ऐसे खड़े हो जाते हैं पीछे पीछे आके, तो डर वो लगा रहता है। और कई बार किसी लेडीज की चोरी भी हो जाती है, पर्स में से भी चोरी होती है, ऐसा आज के महिलाएं सुरक्षित नहीं है। युवतियों और महिलाओं में वाकई अपराधियों का खौफ जबरदस्त है, लेकिन इस मामले में पुलिस के बयान भी हैरत भरे सामने आते हैं। हालांकि बढ़ती चैन लूट की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने वर्दी और सादा वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात तो किए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। लुटेरे हर बार पुलिस की गश्त बढ़ती देख इलाका बदल देते हैं और नए इलाके में वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। हालांकि पुलिस भी मानती है कि इस तरह की वारदातों को अंजाम देने में अब नए लोग भी सामने आते हैं। वहीं इस तरह की घटनाओं को लेकर पहले भी कार्रवाइयां की गई, कई अपराधियों को सलाखों के पीछे भी पहुंचाया गया, लेकिन खेल अभी जारी है। हर अपराधी की अपनी मोडस ऑपरेंडाई होती है, क्योंकि जैसा कि मैं आपसे कह ही रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि जिनसे उम्मीद नहीं करते हैं कि इस तरह की वारदातें करेंगे, स्टूडेंट हुए या बाहर से घूमने के लिए आने वाले लोग हुए, वो इस तरह की वारदातों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिसके कारण कि अपराधियों पर जो नज़र हो सकती थी उसमें मुश्किलें आने लगी हैं। पहले कुछ गिने चुने अपराधी होते थे जो अपराध करते थे, उन पर नज़र रखना आसान होता था। अब क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस तरह के अपराध करने लगा है तो इसमें वृद्धि हो रही है लगातार। देखिए, एक तो होता है कि तुरंत हम नाकाबंदी करा के उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हमारा अपना इंटेलिजेंस सिस्टम है जिससे हम वारदात करने वाले लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और उनको फॉलो करके उन्हें ट्रैक करते हैं, उन्हें अरेस्ट करके उन वारदातों का खुलासा करते हैं। दोनों ही कार्यवाही पुलिस लगातार कर रही है। इसी का नतीजा है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार चेन स्नैचिंग की वारदातें कम हुई और इस बार ज़्यादा लोगों को पकड़ के बंद भी किया गया। पुलिस हालांकि अपनी दलील जरूर देती है, लेकिन साथ ही वह अपने हाथ बचाते हुए ये कहने से भी नहीं चूकती कि महिलाएं चैन पहने तो जरूर, लेकिन सावधानी जरूर रखें। यानी इस बात से यह साफ हो जाता है कि चाहे कितने ही लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया हो, लेकिन पिक्चर अभी जारी है। आप भी सुनिए पुलिस की नसीहत। चैन पहनकर नहीं निकलने वाली बात तो नहीं कहूंगा मैं, पर मैं ये जरूर कहूँगा कि जहाँ पर भी आप निकलते हैं तो सावधानी रखें, आसपास कोई इस तरह के संदिग्ध व्यक्ति दिखें तो कोशिश करें कि वो अगर नज़दीक आते हैं तो उनको अवॉइड करें, और कभी भी आपको लगता है कोई संदिग्ध है तो पुलिस को तुरंत सूचना दें, हम उसे वेरीफाई करें, हो सकता है वो व्यक्ति किसी वारदात में इन्वॉल्व हो या वारदात करने की कोशिश कर रहा हो। महिलाओं के गले पर हाथ मारने वाले बदमाश ये वारदातें अंधेरे में नहीं बल्कि दिन दहाड़े करते हैं। अब तक हुई इस तरह की घटनाओं पर नजर डालने से यही साफ होता है कि सुनसान इलाका हो या फिर अकेली महिला, जहां मौका मिलता है अपराधी वारदातों को अंजाम देता है और फरार हो जाता है। बस उसके बाद पुलिस के पास सिवाय नाकाबंदी के अलावा कुछ बाकी नहीं बचता। कोई पकड़ में आ जाए तो ठीक, नहीं तो फिर शुरू हो जाता है दूसरी वारदात का इंतजार। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से जसराज भुरंडा की रिपोर्ट।